गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल है रमन्ना गुप्ता मेकअप आर्टिस्ट। यू आर वाचिंग माय चैनल परफेक्ट मेकअप वीडियो। फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक ऐसे प्रोडक्ट से इंट्रोड्यूस करवाना चाहती हूँ जो मार्केट में स्किन केयर प्रोडक्ट के अंदर अपनी एक अलग पहचान बना चुका है, जो हमारे किट में भी अपनी एक अलग जगह बना चुका है, हम अपने स्किन रूटीन में भी उसे ऐड कर चुके हैं। यस फ्रेंड्स, मैं बात कर रही हूँ डिफरेंट काइंड ऑफ मास्क के बारे में। मार्केट में बहुत तरीके के अलग अलग वैरायटी के मास्क मिल रहे हैं। रबर मास्क मिल रहा है, अलॉय मास्क मिल रहा है, बर्ड मास्क मिल रहा है, शीट मास्क मिल रहा है, क्ले मास्क मिल रहा है, बहुत सारी वैरायटी के मास्क मिल रहे हैं और हमें पसंद भी आ रहे हैं। लेकिन उन्हीं एक ऐसा मास्क है जो बहुत जल्दी लोगों ने एक्सेप्ट किया है, शीट मास्क। यस फ्रेंड, शीट मास्क को लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। रीज़न कि इसे अप्लाई करना भी ईजी है, इसकी कॉस्ट भी थोड़ी सी चीप है रादर देन रबड़ मास्क क्ले मास्क के, और इसको इसके जो रिजल्ट है वो भी इंस्टेंट है। तो फ्रेंड्स, आज हम वीडियो में शीट मास्क के बारे में बात करेंगे। मैं आपको बताऊंगी कि शीट मास्क में भी हमें कौन कौन सी वैरायटी मार्केट में मिल रही है, हमें कौन से पिक करने चाहिए, शीट मास्क खरीदते वक्त हमें कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए, पैकेट पर हमें कौन कौन सी ऐसी चीज़ें, कौन कौन से ऐसे कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए खरीदते वक्त। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि शीट मास्क आए हमारे पास कोरिया और जापान से, साउथ कोरिया और जापान से, बट अब एशिया में भी बहुत पॉपुलर हो चुके हैं। फ्रेंड्स, जो शीट मास्क हैं ये भी डिफरेंट वराइटीज में मिलते हैं। शीट मास्क डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रूट के एक्सट्रैक्ट से मिलते हैं, एक्सट्रैक्ट के मिलते हैं, और उसके बाद विटामिन्स के मिलते हैं, और मतलब कि हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं उसके अकॉर्डिंग मिलते हैं। ब्राइटनिंग के भी मिलते हैं, लाइटनिंग के भी मिलते हैं, रिंकल एंटी एजिंग के भी मिलते हैं, बहुत सारे ऐसी वैरायटीज हैं। बस हमें ध्यान से उनको उनके इंग्रेडिएंट्स देखने हैं, उनको अपने स्किन टाइप का लेना है और अपने प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग लेना है। इससे पहले कि फ्रेंड्स मैं आपको बताऊँ शीट मास्क खरीदते वक्त हमें किन किन बातों की तरफ ध्यान देना चाहिए, ऐसे कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं जिनकी तरफ हमारा फोकस होना चाहिए कि अगर ये इंग्रेडिएंट्स इस पैकेट के अंदर है तो हमें ये वाला शीट लेना है कि नहीं लेना, ये हमारी स्किन के लिए सूटेबल है कि नहीं है। उससे पहले आओ हम जान लेते हैं कि स्किन शीट मास्क के फ़ायदे क्या हैं, इसके बेनिफिट्स क्या हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली बात यह है कि इसका टाइम टेकन कम है। अगर हमें किसी फंक्शन में अचानक जाना है और हम फेशियल करवाने का टाइम नहीं है तो ऐसे केस में भी हम शीट मास्क का यूज़ कर सकते हैं। बाकी यूजुअली इसको हम वीक में दो बार यूज़ कर सकते हैं, इससे स्किन हमारी नरिश होती है। और जो लोग डेली का अपना ये CTM या फिर कोई भी जो अपना प्रोसेस है फॉलो नहीं कर पाते स्किन केयर का, तो वो भी अल्टरनेट डेज भी इसको सिर्फ 15 मिनट लगा के अपना लेट के कोई काम कर रहे हैं या कुछ भी अपना रेस्ट कर रहे हैं तो भी हमारा स्किन को फुल रिनरिशमेंट मिल जाएगा। शीट मास्क लगाने से हमारे स्किन की डलनेस ख़त्म होती है, रेड स्किन रेडियंट होती है, स्किन ग्लो करती है और स्किन नरिश होती है, इसके साथ साथ स्किन हेल्दी होती है। फ्रेंड्स, अब मैं बताती हूँ कि आपको इसका यूज़ कैसे करना है। आपको सबसे पहले तो स्किन पर जब भी कोई प्रोडक्ट अप्लाई करे या स्किन केयर का कोई भी रेजिम फॉलो करे, सबसे पहले अपने हाथ को अच्छे से क्लीन करें और उसके बाद सैनिटाइज करें, क्योंकि अगर आपके हाथ ही क्लीन नहीं होंगे तो आपके स्किन पर इन्फेक्शन और बैक्टीरिया का डर हो सकता है। तो सबसे पहले हाथ क्लीन करें और फेस को शीट मास्क लगाने से पहले अच्छे से क्लीन अप करें, अपना क्लिनजिंग करें, अच्छे से डीप क्लिनजिंग करें। उससे क्या होगा, जब आपका ये जो प्रोडक्ट है इसका जो सीरम है ये डीपली आपकी स्किन के अंदर जाएगा तो उसके रिजल्ट आपको अच्छे मिलेंगे और स्किन साफ होगी, स्किन क्लियर होगी, तभी तो इसका रिजल्ट अच्छा होगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपने अपने हैंड वॉश करे, सैनिटाइज करा और उसके बाद स्किन क्लीनअप किया और फिर ये अपना शीट मास्क यूज करें। जब आप शीट मास्क यूज़ करेंगे तो मतलब इस तरीके से स्प्रेड करें कि एयर उसके अंदर ना जाए, बबल कम से कम हो, स्किन को अच्छे से मतलब स्प्रेड करें उसको। और इसके साथ साथ जब आप उसको अच्छे से उसको 15 से 20 मिनट दें, टाइम दें शीट मास्क को, जल्दबाजी ना करें और रेस्ट करें, रिलैक्स करें उस टाइम। और उसको जब आप अपना शीट मास्क रिमूव करें तो उसके बाद फेस को पानी से क्लीन नहीं करना है, फेस पर बल्कि
उसी जो आपकी फेस के ऊपर जो सीरम है जो हल्का सा ग्रीसी लग रहा है पैनी फ्यूचर स्किन के लिए, उससे कोई नुकसान नहीं है, उसके ऊपर एक मॉइस्चराइजर का लॉक लगा दें। कोशिश करें कि शीट मास्क, अगर मतलब कि आपको किसी फंक्शन वगैरह कुछ ऐसा करना है तो वो किसी टाइम भी आप यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कोई इसका टाइम पीरियड नहीं होता कि आपको किस टाइम पे करना, पर कोशिश करें कि रात को लगाएं तो उसका रिजल्ट अच्छा मिलता है। फेशियल के अगर 2 दिन बाद आप शीट मास्क यूज़ करते हैं तो आपके फेशियल का टाइम पीरियड बढ़ जाता है और आपके फेशियल का ग्लो भी 2 गुना हो जाता है। अब मैं फ्रेंड आपको बताती हूँ कि शीट मास्क में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, जो ऐसे कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमारे शीट मास्क में नहीं होने चाहिए, हमें ध्यान देना चाहिए। शीट मास्क एक तो नेचुरल फाइबर के होने चाहिए, आर्टिफिशियल फाइबर के नहीं होने चाहिए। आर्टिफिशियल फाइबर के जो शीट मास्क हैं उसमें से आपका सीरम है जो इवेपोरेट हो जाएगा और आपकी स्किन को फुल उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो आपके नेचुरल फाइबर के होने चाहिए, जैसे कि बैम्बू शीट हो गया, कोकोनट पल्प हो गया, और शीट मास्क आते हैं आपके कॉटन के शीट मास्क मिल जाएंगे आपको, तो आप इस तरह के शीट मास्क यूज़ करें। इसके साथ साथ आपके शीट मास्क पैराबिन फ्री होने चाहिए, आपके शीट मास्क अल्कोहल फ्री होने चाहिए, आपके शीट मास्क फ्रेगनेंस फ्री होने चाहिए और आपके शीट मास्क सल्फेट फ्री होने चाहिए। सिर्फ 4 चीज़ें मैंने आपको बताई है, सल्फेट फ्री, पैराबिन फ्री और उसके साथ फ्रेगनेंस फ्री और अल्कोहल फ्री। फ्रेंड अल्कोहल फ्री प्रोडक्ट, मैंने ये अल्कोहल फ्री शीट मास्क इसलिए बोला है, नो डाउट अल्कोहल फ्री होता तो हमारी जो शीट मास्क के बाद हमें अपनी स्किन ग्रीजी नहीं लगती, बट अल्कोहल वाले जो शीट मास्क होते हैं उससे कभी कभी एक्ने का प्रॉब्लम हो सकता है बिकॉज ऑफ बैक्टीरिया। अब फ्रेंड्स मैंने आपको बताया कि आपके आपके शीट मास्क में क्या क्या नहीं क्या क्या नहीं होते, बट हमें ये पता कर चले। सबसे पहले बात तो आप जब भी शीट मास्क खरीदेंगे जहाँ पर आपको मेंशन हो, सबसे पहले मेंशन है आपका नो एडेड पैराफिन, यहाँ पर मेंशन है। उसके बाद आपका यहाँ पर है नो एडेड पिगमेंट, और इसी तरीके से इसमें आपको जैसा कि इसमें आपको यहाँ पर दिया हुआ है, ये आपको थोड़ा सा रीड करना पड़ता है, थोड़ा सा देखना पड़ता है, ज़्यादा नहीं होता। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 100% प्योर कॉटन, तो इस तरीके से आप अपने मास्क लेते हैं। फ्रेंड स्किन के लिए आपको थोड़ा सा तो केयरफुली प्रोडक्ट लेने ही पड़ेंगे, नहीं तो फायदे की जगह नुकसान हो जाएंगे, तो आपको ये देखना पड़ेगा। और जो पैराबिन फ्री यहाँ मेंशन है, सल्फेट वगैरह भी आप यहाँ पर दे सकते हैं, आपका सल्फेट फ्री है, कई बार स्पेशल लिखा मेंशन भी होता है सल्फेट फ्री है या फिर आपका अल्कोहल फ्री है, और आप इन 3-4 चीज़ों के ऊपर बहुत ज़रूरी ध्यान दें क्योंकि ये स्किन के लिए अच्छी नहीं होता है। फिर ऐसे ही मैं अब आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका यूज़ बताऊँगी, कुछ आपको रिव्यूज दूँगी शीट मास्क के, कुछ मेरे फेवरेट हैं कुछ मेरे को अच्छे लगे हैं, और मैं आपको बताऊँगी हाउ टू यूज़ शीट मास्क प्रॉपर, स्टेप टू स्टेप मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह फॉलो कौन से रूल्स और किस तरीके से आपको फॉलो करना है जिससे आपके शीट मास्क के रिजल्ट 100% मिले। ओके फ्रेंड्स, मैंने आपको इस वीडियो में बताया शीट मास्क के यूज़ करने के फ़ायदे, शीट मास्क को यूज़ करने से पहले किन किन बातों की तरफ ध्यान देना है और ऐसे कौन से प्रोडक्ट हैं जो हमारे शीट मास्क में नहीं होने चाहिए। आप ये सारे रूल फॉलो करोगे तो आपको शीट मास्क के बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और अब अगली वीडियो में मिलते हैं कुछ नई बातों के साथ। ओके बाय।